दोस्तों रेट्रो स्टाइल वाली सेगमेंट में टीवीएस की रोनिन के लॉन्च होने के बाद अब यमहा ने भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। यमहा RX 100 के न्यू मॉडल को इंडियन टूलर मार्केट में लेके आने वाली है और आज के दिन ही ये ऑफिशियल अपडेट सामने आई है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमहा RX 100 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में जो इंडियन टूलर मार्केट में 2022 में ही लॉन्च होगी। दोस्तों यमहा इंडिया के जो चेयरमैन है उन्होंने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि यमहा RX 100 के न्यू मॉडल के ऊपर काम कर रही है जो मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। गाइज ये तो हम सबको पता है कि यमहा की RX 100 अपने टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड बाइक रही है और उस बाइक के बारे में अगर बात करें तो RX 100 के अंदर 98.2 सीसी का 2-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन था। लेकिन इस बाइक का जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल मार्केट में लॉन्च होगा जो बाइक 2022 में आएगी उसको BS6 नॉर्म्स को फॉलो करना होगा और इसी वजह से उस बाइक के अंदर हमें 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिलेगा। यानी कि RX 100 जो पुरानी बाइक थी उसके अंदर 2-स्ट्रोक इंजन था लेकिन अब जो नई बाइक आएगी उसके अंदर हमें 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिलेगा। यमहा RX 100 इंडियन टूलर मार्केट में 1985 से लेके 1996 तक रही है और उसके बाद में RD 350 भी आई है लेकिन RX 100 की टॉप स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी थी और उस टाइम के अकॉर्डिंग बाइक के लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे थे। रेट्रो स्टाइल वाली सेगमेंट में RX सबसे ज्यादा पॉपुलर मशीन थी उस टाइम पे जिसके अंदर 98.2 सीसी का 2-स्ट्रोक इंजन था जिसकी मैक्सिमम पावर थी 11.2 HP के आसपास और टॉर्क आउटपुट थी 10.45 न्यूटन मीटर की। बाइक के अंदर 4-स्पीड गियर बॉक्स था। बाइक के अंदर KYB के फ्रंट में कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स थे और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन थे। बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक थे और फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 10.5 लीटर्स की। लेकिन गाइज अब जो बाइक मार्केट में लॉन्च होगी RX 100 का जो नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आएगा उसका नाम RX 150 भी हो सकता है, RX 155 भी हो सकता है क्योंकि गाइज करंटली यमहा के पास कोई भी 100cc सेगमेंट की बाइक नहीं है। सो RX 100 का जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल मार्केट में आएगा उसके अंदर या तो हमें R15 V4, MT15 और XSR 155 वाला सेम इंजन देखने को मिलेगा या फिर उस बाइक के अंदर हमें यमहा की FGS V3 वाला इंजन भी देखने को मिल सकता है। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उस बाइक के अंदर 155 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल सकता है जिसकी पावर होगी 18 PS के आसपास और टॉर्क आउटपुट होगी 14 न्यूटन मीटर के आसपास विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन और उस बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी हो सकती है, और या फिर उस बाइक के अंदर यमहा की FGS V3 वाला 149 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल सकता है जिसकी पावर 12.4 PS के आसपास हो सकती है और 13.3 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट हो सकती है। और FGS V3 वाला इंजन होता है तो बाइक के अंदर 5-स्पीड गियर बॉक्स होगा। लेकिन गाइस बात करें बाइक के डिजाइन और स्टाइल के बारे में, डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में, तो RX 100 का जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल मार्केट में आएगा उसके लुक्स और डिजाइन काफी हद तक यमहा के XSR 155 और XSR 155 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगे। जो न्यू बाइक मार्केट में आएगी वो रेट्रो डिजाइन और स्टाइल के साथ आएगी। बाइक के अंदर राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी जो XSR 155 के जैसी भी हो सकती है। बाइक के अंदर रेट्रो स्टाइल राउंड शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा और राउंड शेप्ड ही LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। सो गाइस काफी हद तक तो चांसेस यही हैं कि बाइक के अंदर डिजाइन एलिमेंट्स काफी हद तक XSR सीरीज से इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी हो सकते हैं, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाइक के अंदर रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, साथ में सिंगल चैनल EBS देखने को मिलेगा। और बात करें गाइस इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो RX 100 का जो नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आएगा अगर उस बाइक के अंदर 155 cc का इंजन होता है जो R15 V4 XSR 155 के अंदर है तो फिर बाइक का एक्सशोरूम प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा जो होगा 1,50,000 के आसपास। लेकिन अगर उस बाइक के अंदर FGS V3 वाला 150 cc का इंजन होता है तो फिर बाइक का एक्सशोरूम प्राइस हमें 1,00,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और गाइस लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो यमहा ने अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि RX 100 का न्यू मॉडल मार्केट में लॉन्च होगा। यमहा उस बाइक के ऊपर काम कर रही है तो इस बाइक के लॉन्च होने के चांसेस 2022 में ही हैं। ये बाइक फेस्टिवल सीजन के आसपास लॉन्च होगी और यमहा की ये बाइक काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर भी लॉन्च हो सकती है। सो गाइस ये थी सारी डिटेल्स यमहा के अपकमिंग बाइक RX 100 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में जो RX 150 या फिर RX 155 भी हो सकती है। सो गाइज अगर आप इस बाइक का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।